पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के साथ। मैं हूं आपके साथ राजुल। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं लगाव और अलगाव की, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की भी। अंतर्मुखी को अक्सर ये कहा जाता है कि वो थोड़े अलग थलग से रहते हैं, और जो बहिर्मुखी है वो आसानी से सबसे हिलमिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो भाई ये घुलना मिलना अच्छा तो सबको लगता है, शायद अंतर्मुखी भी अपने मन में यही बात सोचते हो, लेकिन कई बार उन्हें अकेले भी रहना पसंद आता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हम यही जानना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में। और हम बात करेंगे उन गानों की, उन बातों की, जिसमें कुछ थोड़ा सा अकेलापन भी है तो कुछ लगाव भी है, कुछ जुड़ाव है, कुछ साथ साथ रहने का सुख है, तो कुछ अकेले ही कुछ कर गुजरने की ललक भी है। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। वैसे संदेश तो बहुत सुंदर सुंदर है। एक साथी ने लिखा है कि आज की दुनिया में इंसान अकेला रहना पसंद नहीं करता है, साथी बनना पड़ता है। घूमने फिरने और दोस्तों से लगाव होना जरूरी है, कारण कि यदि इंसान रिश्ते को छोड़कर अलग नहीं रह सकता, अलग रहने पर उसका जीवन नीरस हो जाता है। हम चाहे जितना भी उससे दूर भागें, पर रिश्तों में लगाव होना बहुत ज़रूरी है। और हर स्थिति ऐसी बनती है जब लगाव उसके साथ साथ चलता है, साथी बनकर उसका साथ देता है। एक और संदेश में हमारे साथी कहते हैं कि सामाजिक अलगाव एक व्यक्ति की उस समूह से अलगाव की भावना है, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या व्यापक समाज हो, जिससे व्यक्ति का जुड़ाव होता है। भावनात्मक जुड़ाव आपको सहज महसूस कराता है, इससे आपका साथी सुरक्षित महसूस करता है, आप और नजदीक आते हैं। वहीं उनके प्रति प्यार का इजहार करने के लिए आप बीच बीच में मेल मुलाकात करते रहें, कॉफ़ी पीने के लिए जा सकते हैं। आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल कर किसी को समय देते हैं तो वो समझ जाएंगे कि आप उनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा है कि लगाव के अर्थ को जितना समझेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। ये आपको परम सुख दे सकता है और शायद हो सकता है कि आपको पूरी तरह से तोड़ दे। कुछ रिश्ते ऐसे हैं, इन्होंने आगे लिखा है, जिनसे लगाव की गहराई मापी नहीं जा सकती। ऐसे रिश्ते जीवन में कई रंग दिखाते हैं, सुख और दुख दोनों की अनुभूति करवाते हैं। ये सुख स्वर्ग से सुंदर भी हो सकता है और नर्क से बदतर भी। कितने लोग इस लगाव को सिर्फ मोह माया का नाम देते हैं, और इस लगाव को जीने वाले से कोई पूछे कि उसके लिए इसके क्या मायने हैं। ये भी लगाव ही है जिसके कारण दुनिया में कोई हमारा आदर करता है। ये एक सामान्य भावना है जो इंसान और जानवर दोनों में होती है, पर भाई जो व्यक्त नहीं कर पाते उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। आप भी मानते हैं ना ये बात। अच्छा, जब लगाव और जुड़ाव की बात होती है तो अक्सर लोग कहते हैं ना, मिलते रहिए। चलिए इसी गाने से शुरुआत करते हैं। गीत को सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। मिलते रहिए, मिलते रहिए, मिलते रहिए, मिलने से दिल, मिलने से दिल मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, सूने पर पत्ते फूल खिल जाएंगे, खिल जाएंगे, 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 हो। मिलते रहिए, मिलते रहिए, मिलते रहिए, मिलते रहिए।
जवाब आ गए हमारे साथियों ने बताया। प्रेम विवाह फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज है। बहुत खूबसूरत सा गीत। अब अगला संदेश जो हमारा इंतजार कर रहा है वो भी बहुत खूबसूरत है। जीवन दो तरह से जिया जा सकता है, एक अंतर्मुखी होकर और दूसरा बहिर्मुखी होकर। अंतर्मुखी होना यानी अपने स्वयं के केंद्र की तरफ लौटना, उसे जानना और उससे जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझना। इसलिए जो लोग अंतर्मुखी हैं वो आत्म केंद्रित भी हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति कभी भी भीड़ का अनुसरण नहीं करते तथा वे ऐसे लोग होते हैं जो अपने तरीके से अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं, अपने मन की बात को दूसरों के सामने आसानी से नहीं रख पाते, तो कभी और उसे बेहतर तरीके से समझा भी सकते हैं। वो आसानी से किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते, लेकिन उनके अंदर ही अपना एक संसार बसा होता है। प्रबल आत्मविश्वास, सबल स्मृति, व्यवस्थित आदर्श, संयमित भावनाएं और स्वतंत्र विचार के परिचायक हैं। तो इन्होंने अंतर्मुखी के बारे में बताया है। वैसे अंतर्मुखी होना भी कभी कभी अच्छा होता है, और कभी कभी लगता है कि अरे कोई ये बोल क्यों नहीं रहा है जब सबके साथ हम होते हैं। तब उन्हें क्या महसूस होता है ये अगला संदेश बताता है। कुछ लोग अकेलेपन में खुश रहते हैं, कभी कभी वो अपने आप में इतने मशगूल हो जाते हैं उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। उनको लगता है कि किसी का साथ लिया तो मेरे काम में दखलंदाजी करेगा और मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं और मेरा काम इसी में खुश रहते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग अकेले काम नहीं कर सकते, उन्हें डर रहता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकूंगा, और वो हमेशा साथ ही ढूंढते रहते हैं। काम करने के साथ साथ जीवन जीने के लिए भी कई बार साथी ढूंढना जाता है। हमारे एक साथी ने कहा है कि लगाव और जुड़ाव उन्हीं लोगों से होता है जो मन के साफ सुथरे होते हैं, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें कोई गांठ नहीं होती है। दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो रोज हजारों लोगों से होती है। ऐसा नहीं है कि लोगों के दिलों में लगाव नहीं है, बस दिल से जुड़ने के लिए भावनात्मक रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो क्या करें जो लगाव होने के बावजूद व्यक्त नहीं कर पाते, रिश्तों को बनाना चाहने के बावजूद व्यक्त नहीं कर पाते। चलिए अब ये गाना सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है और इसमें नायक नायिका कौन है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले पता है अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ छोड़ो मेरी जान हो तुम, तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम। अकेले
कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ तो फिर क्या करोगे, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जवाब के साथ आपके संदेश मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। एन इवनिंग इन पेरिस का ये गाना शमी कपूर शर्मिला टैगोर इसमें मुख्य भूमिकाएं उन्होंने निभाई। और हमारे एक साथी ने कहा है कि सामाजिक अलगाव एक व्यक्ति की उस समूह से अलगाव की भावना है, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या व्यापक समाज हो, जिससे व्यक्ति का जुड़ाव होता है। इस तरह के अलगाव को सामाजिक संबंधों में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है जो एकीकरण या सामान्य मूल्यों की कम डिग्री और व्यक्तियों के बीच उच्च स्तर की दूरी या अलगाव, या एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच जो दूरी है वो परिलक्षित होती है। बहुत सुंदर बात कही है। एक और संदेश में हमारे साथी ने कहा है कि वैसे तो मिलजुल कर कोई कार्य किया जाए तो एक दूसरे की सलाह से काम आसान भी हो जाता है, बट जाता है। अगर किसी को किसी काम में कोई अड़चन आ रही हो तो आपस में सलाह करके काम को अंजाम दिया जा सकता है। पर अब ज़्यादातर बच्चे बाहर अकेले ही रहते हैं, कुछ काम अकेले ही करने पड़ते हैं, तो वे बखूबी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। और जो लोग मिलनसार होते हैं वे अनजान लोगों से भी बात करके सलाह लेकर काम कर लेते हैं। पर जो हरदम अकेले ही रहना पसंद करते हैं और अपने काम में किसी की दखलअंदाजी पसंद नहीं करते हैं, ये लोग इधर उधर से पढ़कर काम करते रहते हैं और कभी कभी बहुत अवरोध आ जाते हैं। अवरोध तो उनके साथ भी आते हैं जो सबके साथ मिलकर काम करते हैं। बात अवरोधों की नहीं, बस उस बात की है कि अपने लगाव और जुड़ाव को जो कुछ नहीं कह पाता, व्यक्त नहीं कर पाता और कई बार उसे गलत भी समझ लिया जाता है। ऐसे में क्या किया जाए, बस यही बात है। संदेशों में कुछ ऐसी बातें भी हैं कि अकेलापन और साथ साथ दोनों जब एक साथ चलने लगते हैं तब बड़ी मुश्किल होती है। जैसे आजकल होता है, कहीं जाओ देखने को तो ना जाने कितने लोग हैं, सब अपने फोन से व्यस्त, बाहर की दुनिया से जुड़े, अगल बगल से बेखबर। यही हाल घर में भी है। आजकल तो हर कार्यक्रम के व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, कोई किसी से मिलने किसी के कमरे में नहीं जाता। ये भी एक अंतर्मुखी बनाने की प्रक्रिया है। एक और संदेश है कि अंतर्मुखी लोगों का लगाव जुड़ाव कुछ अलग प्रकार का होता है। संसार से जुड़े रहने पर भी विरक्त यानी लगाव रहित होते हैं। सामान्य व्यक्ति की ही तरह वैसे तो वो संसार से जुड़े रहते हैं। जैसे विविध भारती के गानों से ओतप्रोत होते हुए हम लुत्फ उठाते हैं, लेकिन उसका आनंद से विरक्त रहते हैं, भिन्न महसूस करते हैं। शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हम उस आनंद में डूब कर भी उस आनंद में पूरी तरह उसके हवाले नहीं होते। ये भी एक पक्ष है। चलिए इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है। न मिलते हम तो कहो तुम किधर गए होते, न मिलते हम तो कहो तुम किधर गए होते। तुम्हारा प्यार न मिलता तो
मर गए होते तुम्हारा प्यार न मिलता, तो मर गए होते। अगर ऐसे में हम न तुम्हें पा जाते, छुपाए मुँह को अंधेरे में अश्क बरसाते। अगर ऐसे में हम न तुम्हें पा जाते, छुपाए मुँह को अंधेरे में अश्क बरसाते, हम अश्क बरसाते। वो अश्क तो मेरी, वो अश्क तो मेरी आँखों में भर गए होते, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते। हमें तो फुर्सत में इसी गम ने मारा, मेरी बहार भटकती फिरेगी आवारा। हम तो फुर्सत में इसी गम ने मारा, मेरी बहार भटकती फिरेगी आवारा, फिरेगी आवारा। तुम्हारी राह में, तुम्हारी राह में होते जिधर गए होते, ना मिलते हम तो कहो तुम किधर गए होते। जाने फिर क्या होता ये न पूछो, जमाना छीन ही लेता हमें अगर तुमसे। जाने फिर क्या होता ये न पूछो हमसे, जमाना छीन ही लेता हमें अगर तुमसे, हमें अगर तुमसे। दीवाने फिर तो कोई, दीवाने फिर तो कोई काम कर गए होते, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते। जवाब आ गए ओपरा हाउस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। हमारे एक साथी ने लिखा है कि अंतर्मुखी होने का अर्थ ये नहीं कि उसे किसी से लगाव या जुड़ाव नहीं है, अंतर केवल इतना है कि वो लोग अपने प्यार और भावनाओं की प्रदर्शनी नहीं लगाते। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। कुछ लोग अपनी एनर्जी को लगातार गतिशील रखते हुए अपने व्यवहार में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, जबकि कुछ लोग उतने सक्रिय नहीं हो पाते। कभी कभी सामाजिक और मानसिक परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। आप जैसे भी हैं अपने से प्यार करें। जिस तरह हर व्यक्ति का सामाजिक होना जरूरी है, उसी तरह हर व्यक्ति में चरित्र के दोनों भाव, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, दोनों होना जरूरी है। भाव केवल इतना है कि किन परिस्थितियों में हम कैसा व्यवहार करते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही है। एक थोड़ा सा अंतर्मुखी इंट्रोवर्टनेस हम सबके अंदर होती है, और थोड़ी सी जो बहिर्मुखी स्वभाव वाली बात होती है वो भी हम सबके बीच में हो, हम सबके अंदर होती है। उसे कहाँ कब किस तरह इस्तेमाल करना है वही बड़ी बात है। वैसे अंतर्मुखी होना भी अपने आप में एक वरदान है, और बहिर्मुखी की तो बात ही क्या, वो तो सबसे मिलजुल कर सबको अपना बना लेते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है, जब मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कोई साथ दे या ना दे। बहुत खूब। एक और साथी लिखते हैं, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है, चलना अकेले है, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। बहुत सुंदर। एक और संदेश है, लिखा है कि लगाव और जुड़ाव एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे मन में किसी के प्रति लगाव की भावना होगी तभी हम उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। सबके साथ जुड़ाव से हाथ में लिए काम को गति मिलती है और निर्णय क्षमता बढ़ती है। अंतर्मुखी व्यक्ति अपने विचारों और व्यवहार को खुलकर अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं, इसलिए इन्हें घुन न समझ लिया जाता है, जो कि गलत है। ये भी लगाव और जुड़ाव की प्रक्रिया से गुजरते हैं लेकिन अपनी दुनिया में। वास्तव में अंतर्मुखी बोलने से ज्यादा दूसरों को सुनने में विश्वास रखते हैं। ये अधिकतर समय अकेले बिताना पसंद करते हैं, साथ ही इनके दोस्त भी कम होते हैं, मगर जो होते हैं ये
वो उम्र भर के लिए होते हैं। सोचने समझने की अच्छी शक्ति होने के कारण बाद भी निर्णय लेने में इन्हें थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि ये बहुत तोल कर कुछ भी करते हैं, अंतर्मुखी लोग। हाँ वाकई। चलिए अब जरा गाने की ओर बढ़ते हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि कौन सी फिल्म है और अभिनेता और अभिनेत्री कौन है। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम तब से सनम, अकेले सनम, अकेले हैं तो क्या हम साथियों के जवाब आ गए। कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें, और हमने पूछा था प्रमुख कलाकार कौन थे, तो साथियों ने बताया आमिर खान, जूही चावला, बिल्कुल सही। चलिए अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए। इस गाने को सुनिए और बताइए फिल्म कौन सी है और इसमें मुख्य भूमिकाएँ किन की थी। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़,
लेते साथ मिलके चलेंगे साथ मिलकर शशि कपूर और बबीता फिल्म हसीना मान जाएगी। आपके जवाबों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का, हम लौटते हैं इस अंतराल के बाद कुछ और संदेशों के साथ। Thank you.
अंतराल समाप्त हो चुका है। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत मेरे यानी राजुल के साथ, और हम आज बात कर रहे हैं लगाव जुड़ाव, अंतर्मुखी बहिर्मुखी स्वभाव की, मिलजुल कर रहने, मिलजुल कर मेलजोल के साथ अपना जीवन चलाने, या थोड़ा अलग होकर चुप चुप रहकर कुछ अपना काम करते रहने लेकिन दूसरों के काम आते रहने वाले लोगों के बारे में। हमारे एक साथी ने लिखा है कि अलगाव और जुड़ाव ये दोनों मन की भावनाएं हैं और इंसान की ज़रूरत है। कुछ ना रहते हुए भी किसी से बेहद जुड़ाव हो जाता है, उसकी कमियों को भी हम आत्मसात कर लेते हैं, और कभी बेहद नज़दीकी रिश्ता भी अगर आपके दिल से नहीं जुड़ा है तो वो अलगाव ही कहलाता है। कभी मजबूरी में किसी से अलगाव रखना पड़ता है और मजबूरी में किसी से जुड़ाव रखना पड़ता है। ये परिस्थितियों और समय से इसका निर्धारण होता है। जो अंतर्मुखी होते हैं ऐसा नहीं कि उनका किसी से जुड़ाव नहीं होता, बस वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मैं अंतर्मुखी हूँ, मैं जल्दी जल्दी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, पर मुझे किसी से जल्दी शिकायत भी नहीं होती है। बहुत खूब, वाकई चुप चुप रहते हुए अपना काम करते रहने का भी कुछ एक अलग ही आनंद है। एक और संदेश है, अंतर्मुखी अकेलापन पसंद करने वाले लोग समाज से निरंतर मिलते रहते हैं। ईश्वर ने उनसे लगाव रखने वाले व्यक्ति को भी नियुक्त किया होता है जो उन्हें धीरे धीरे प्यार से सहकार्य से बहिर्मुख बनवा देता है, अपने साथ समाज के साथ जुड़वा देता है, चाहे वो सहेली गुरु मित्र पड़ोसी या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। फिर तो सभी लोग सारा समाज साथ मिलकर आनंद पथ पर चलते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं। ये बात भी है कि कई बार अंतर्मुखी लोगों को कुछ ऐसे लोगों का साथ भी मिल जाता है जो उन्हें बहिर्मुखी बना देते हैं। चलिए, अंतर्मुखी होना भी अपने आप में खूबी है और बहिर्मुखी होना भी अपनी एक अलग विशेष पहचान रखता है। दोनों का ही एक सामंजस्य भी होता है किसी किसी के व्यक्तित्व में, और कभी कभी कोई एक गुण ज्यादा भी होता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, और अंतर्मुखी लोग भी अपना काम बहुत इतनी खूबसूरती से कई बार कर जाते हैं कि बस मुंह से वाह निकलता है। तो इसी बारे में अपने कुछ अनुभव अगर आपको याद आ रहे हो तो हमसे साझा कीजिए। चलिए, हम अब आपको ये गाना सुनवा रहे हैं, इसे सुनिए और बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज किसकी है।
रात भी जाएगी जो तेरे साथ कट जाए। घड़ी वो ही सुहानी है, सुहानी है। नजर का मिलके झुक जाना मोहब्बत की ही निशानी है, निशानी है। मिले होते हैं अफसाने अदा चाहे सही जवाब मिले आपके। नीली आंखें फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज थी। एक संदेश है, जुड़ाव हमें ताकतवर बनाता है। जब हम सबके साथ होते या कहें कि समूह में होते हैं तो ये हमें जुड़ाव का अनुभव कराता है। ये परिवार रिश्ते सबको परिभाषित करता है। वहीं अंतर्मुखी इंसान अपने आप में खुश रहना पसंद करता है। वो अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की खूबी रखते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि सबसे जुड़े नहीं होते। सबके लिए भावनाएं अंदर होती हैं, उनमें बखूबी उसका इस्तेमाल भी करते हैं। कोई भी इंसान अकेला नहीं जुड़ाव में रहना पसंद करता है। जी वही बात हम कह रहे हैं कि अंतर्मुखियों के अंदर भी जो एक जुड़ाव एक लगाव होता है, कई बार वो व्यक्त नहीं हो पाता और बहिर्मुखी उसे आसानी से व्यक्त कर लेते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो बताइए हमें। एक और संदेश है, जुड़ाव और लगाव है तो पर्यायवाची और खुशी देने वाले, मगर जब अलगाव और बिछड़ना हो तो यही दुख भी देते हैं। इसलिए जुड़ाव रखें, लगाव एक सीमा में हो, वरना डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है। इंसान अकेला रहकर भी समाज, रिश्तेदार और आसपास के लोगों से जुड़ सकता है, लेकिन लगाव हर किसी से नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए, बताइए ये कौन सी फिल्म है और किस अभिनेता पर ये गाना फिल्माया गया है। अकेला अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं, तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का। सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का। सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। मैं तो हूँ राही दिल का, साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं, जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। चांद सितारों के चले, साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया
साया अकेला हूँ मैं। जवाब आया बात एक रात की फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज देवानंद साहब पर फिल्म आया गया ये गाना। और अब बारी है संदेशों की। बहुत सारे संदेश हैं आज, कहीं पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की बातें की गई हैं, कहीं लगाव और जुड़ाव पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। बहरहाल इसमें लगाव जुड़ाव भी है और अंतर्मुखी बहिर्मुखी की भी को भी समेटने की एक बहुत सुंदर कोशिश है। जो भी करीबी रिश्ते होते हैं उनसे लगाव और जुड़ाव होना बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है, मगर दो अजनबी भी लगाव के रिश्ते से जुड़ जाते हैं। लगाव और जुड़ाव जितना हार्दिक होता है उतना ही कोमल भी, इसलिए अंतर्मुखी लोगों को भी जुड़ाव को व्यक्त करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना ऐसे हो जाता है मानो वे कोई कठोर तप कर रहे हैं। हर रिश्ते में शब्द बहुत ज़रूरी होते हैं, लगाव और जुड़ाव बना रहे इसके लिए आप कम शब्दों में अपनी बात कहें, इससे इसमें साथ और तारतम्यता बनी रहती है। शब्द जीवन भर का दर्द सोख लेते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। एक और संदेश है, कहते हैं कि प्रकृति ने हमें जन्म दिया है तो हमें दिल और भावनाएं भी दी हैं और इसी दिल और भावनाओं की वजह से हम सामाजिक प्राणी बने हैं। हम अगर अकेले रहेंगे तो जी ही नहीं सकेंगे, दोस्तों रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ ही हमारे जीवन का सार है, वही हमारी जिंदगी है। और एक और संदेश है, कहते हैं कि रिश्तों की अहमियत आजकल की भागदौड़ की जिंदगियों में कम हो रही है। सभी लोग जैसे भाग रहे हैं एक दूसरे से, मानो कोई प्रतियोगिता सी कर रहे हैं पैसा कमाने की कोशिश में, रिश्ते नाते पीछे छूट रहे हैं। आज के समय में हमारे पास ढेरों सुविधाएं हैं परंतु रिश्ते नहीं हैं। पैसा और शोहरत कमाने में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों से दूर हो गए हैं। काम खत्म, रिश्ते खत्म, दूर के रिश्तों की बात छोड़िए, आजकल तो माँ बाप को भी पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माना कि समय बदल रहा है, शिक्षा का विस्तार हुआ है, समृद्धि आई है, इस कारण लेकिन इस कारण रिश्तों की अहमियत खत्म नहीं हो जाती। हमें अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए, कुछ इस तरह की बात इन्होंने कही है। वाकई ये तो ज़रूरी है कि अपनी ज़मीन से जुड़कर ही हम अपने लगाव को दूसरों के प्रति व्यक्त कर पाते हैं। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाजें किन की हैं। ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया के बिला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया के बिला है, ओ आजा पंछी अकेला है। गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़ी रहो चैन से, उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़ी रहो चैन से, लागे रे घर मोहे लागे रे, ये क्या डरने की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, अकेला है। ओहो कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, ओहो कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, मर गए हम निकला दम मर गए हम, पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है, बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, फिर भी दिल तन्हा है, ओ लगा सपनों को मिला है, ओ आजा पंछी अकेला है। सही जवाब हमारे श्रोताओं के मिले।
9211 फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें और कुछ श्रोताओं ने फिल्म के कलाकारों के नाम भी लिखे हैं, देवानंद, कल्पना कार्तिक और कुछ कलाकारों ने, कुछ श्रोताओं ने गीतकार और संगीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और सचिन देव बर्मन का नाम भी लिखा है। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है और ये गाना किन पर फिल्म आया गया है। अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर शहर में। अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। सही जवाब आपका मिला। घरौंदा फिल्म का ये गाना अमोल पालेकर पर फिल्म आया गया और जयदेव का संगीत, भूपेंद्र सिंह की आवाज़ का भी हमारे साथियों ने उल्लेख किया है अपने संदेशों में।
हम आज बात कर रहे हैं अंतर्मुखी बहिर्मुखी लगाव की, अकेलेपन की, साथ रहने की, बहुत सी जुड़ी जुड़ी बातें हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हम हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, पर सभी हमें भी साथ लेकर चलना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं। इसलिए सबके साथ भी और अकेले भी दोनों की आदत डाल लेनी चाहिए। और एक और संदेश है कि किसी खास चीज़ के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमें लगाव होना स्वाभाविक है, जिससे जुड़कर हमारे मन को खुशियाँ मिले, सुकून मिलता हो। बात है रेडियो की और विविध भारती के प्रति लगाव की, तो बचपन से लेकर आज तक उतना ही लगाव है। मतलब जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, तो वो रेडियो ही है। और अब रेडियो सुनते हुए ही विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर कई अनजाने गुणी जन साथी मित्र भी मिल गए हैं। उनके साथ जुड़कर इतना लगाव हो गया है कि खुशी हो या गम, एक दूसरे से मिलते रहते हैं हरदम। फिर वो वर्चुअली हो या रूबरू, मिलने पर सबको दिल का बड़ा सुकून मिलता है, तब हमारा दिल गा उठता है, चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर। इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से गीतों को पिरोते हुए अपना संदेश हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस गाने को सुनिए, बताइए फिल्म कौन सी है। अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी। तू रब दिस है जादू टूना, भोला है मेरा सजन सलोना, है जादू टूना, भोला है मेरा सजन सलोना, कोई बहका ले तो मैं क्या करूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी। श्रोता ने बड़े विस्तार से इस सवाल का जवाब दिया जो इस गाने के बारे में था। फिल्म चार दीवारी, सलील चौधरी, नंदा और शशि कपूर, उन्होंने फिल्म के कलाकारों का नाम बताया और निर्माता हिरेन खेरा। और भी बहुत सारे संदेश मिले हैं। नंदा और शशि कपूर अभिनीत चार दीवारी फिल्म का गाना खूबसूरत गीत है। और चार दीवारी पर फिल्म में नंदा पर फिल्माया गया है। चलिए इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का समय आ रहा है, लेकिन अंतर्मुखी और बहिर्मुखी लोगों की बातें करते हुए आज हमने बहुत सारी चीज़ें शायद अपने ध्यान में, अपने जहन में रखी होंगी। और ये भी जाना होगा कि कैसे एक ज़रा सी बात, एक ज़रा सी मुस्कुराहट या एक ज़रा सा जेस्चर आपका, एक थोड़ी छोटी सी हरकत किसी को संभाल सकती है, या किसी को किसी अंतर्मुखी को और
अपनी बात कहने के लिए प्रेरित कर सकती है या किसी को साथ चलने के लिए उकसा सकती है। तो बस इसी बात को जोड़ने के लिए, इसी बात से आपको जोड़ने के लिए आज का ये कार्यक्रम हम तय कर रहे थे। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते